मैडम स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका। जो सूरत हाल अमन अमान के हवाले से इस वक्त मुल्क में है, या फिर बेरोज़गारी के हवाले से जो सूरत हाल मुल्क के अंदर है, मैं उस पर कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। इससे पहले भी मैं इस ऐवान में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है और मुसल्लह क़ुव्वतें वहाँ हकूमत कर रही हैं, वहाँ पर टैक्स वसूल कर रहे हैं, रोड के ऊपर प्लाजों पर टॉल्स वसूल कर रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ और इंतहाई आला तरीन असलहे के साथ लैस गांव गांव फिर रहे हैं, सड़कों पे वो पहरे दे रहे हैं। और अभी जो हाल ही में बलूचिस्तान में एक ही दिन में 4-5 मकामात पर रियासती इदारों पे हमले हुए, हमारी मुसल्ला अफवाज के जवानों पे हमले हुए, ये सब चीज़ें वो हैं कि अगर ऐवान उस पर गौर नहीं करेगा तो फिर कौन गौर करेगा। हम कभी भी ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। चुनांचे दोनों तरफ सूरत हाल जज्बाती हो जाती है। एक फरीक इस हद तक चला जाता है कि फिर वो अलहदगी की बातें शुरू कर देता है, दूसरी तरफ भी हम ताकत के साथ उनसे निमटने और हम मुकम्मल तौर पर रियासत के तहफ्फुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस किस्म के बयानात सूरत हाल को और जज्बाती बनाते हैं और दोनों तरफ से एक इंतहा पे चले जाने का अमल वो पाकिस्तान की सलामती के लिए आज एक सवालिया निशान बन गया है। जनाब स्पीकर, इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। जहां मारूफ मामला फहम तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़ियादत है, उनको साइडलाइन कर किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि उसकी जगह नए नौजवान लेंगे, वो तजर्बा भी नहीं रखते, मामला फहमी से भी महरूम होते हैं, जज्बाती भी होते हैं और उससे मामलात इस कदर उलझ जाते हैं कि फिर उस गुत्थी को सुलझाना रियासत के लिए भी मुश्किल हो जाता है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा बर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो ख़ुद फैसला कर सके, या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान ख़ुद उसके लिए कोई इकदाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है बल्कि आलमी क़ुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी क़ुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं। जनाब स्पीकर, ये बात आपसे भी मख़फ़ी नहीं है कि इस वक्त खित्ते पाकिस्तान उस प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका, चाइना, सीपैक और गवादर, ये सारे वो मामलात हैं कि जहाँ पर एक सरमायाकारी करना चाहता है जिसके साथ आपने मुआहदात किए हुए हैं, लेकिन आज उन मेगा प्रोजेक्ट्स के सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान लक्की मरवत से लेकर आप पूरे बलूचिस्तान की तरफ जाएं, ये सी पैक एरिया इस वक्त उनके कब्ज़े में है
और वहाँ पर कोई तरक्याती काम अब मुमकिन नहीं है इस वक्त। बलूचिस्तान में यही नारे हैं कि चीन निकल जाए, पाकिस्तान निकल जाए। हालात यहाँ तक चले गए हैं, संगीनी की सूरत हाल का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि कुछ एरियाज़ में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल चली गई है और हम देख रहे हैं आंखें बंद करके कि शायद शिकारी मुझे नहीं देख रहा है। इस तमाम तर नाजुक सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए, बड़ी खुद एतमादी के साथ हमें कदम उठाना चाहिए। हकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तलाफ़ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। ये संजीदा सूरत हाल है। हम उन इलाकों में रहते हैं, शायद सिंध में, वहाँ तो डाकुओं का राज है, आपको वहाँ कच्चे की सूरत हाल से वाबस्तगी है और परेशान हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ स्टेट को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है और सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। तो इस सारे सूरत हाल में हमारा किरदार क्या हो सकता है? मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि अगर पार्लियामेंट से दरख्वास्त की जाए कि वो आगे बढ़ें, बलूचिस्तान में जाकर बात करें लोगों के साथ, गुफ्तगू करें, केपी में आएँ, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, गुफ्तगू करें, तो सूरत हाल को दोबारा वापस अपने हालत पर लाया जा सकता है। लेकिन इस अंदाज से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। और मैं चूँकि तजुर्बा रखता हूँ, हज़रत 2006 से इस सारी सूरत हाल में जब रियासत नाकाम हो जाती है तो वहाँ हम जाते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। मैं अभी इलेक्शन से पहले अफ़गानिस्तान गया, एक हफ़्ता मैंने गुजारा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तमाम शोबों में बाहमी तआवुन, सरहदात का मामला, मुसल्लह ग्रोहों का मामला, महाजरीन का मामला, बाहमी तिजारत का मामला, इन सब पर तफसीली गुफ्तगू के बाद मैं मुकम्मल कामयाब वापस आया और मैंने वजारत खारजा और पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों को आगाह किया उससे, और वो मुतमैन हुए, अप्रिशिएट किया। कहा मेकनिज़म क्या होगा? मैंने कहा वो सियासत का मामला है, मेरा ज़ाती मामला नहीं है, मैं तो अपनी कैपेसिटी में गया था, उनकी दावत पर गया था। तो ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर हम संजीदगी के साथ बैठ कर तसल्ली से बातचीत कर सकें। यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं, साहब हमला हो गया, बिशाम में हमला हुआ, यकीनन बुरी बात है, हमें इकदाम करना चाहिए उनके खिलाफ। सीधा इल्ज़ाम आ जाता है कि ये तो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं तो अफ़गानिस्तान के लोग मुजरिम हैं। लेकिन वो एक या दो चौकियों को अबूर करके क्वेटे पहुँचते हैं और क्वेटा से लेकर बिशाम और कोहिस्तान तक 250 चौकियाँ हैं, उनको अबूर करना क्या वो भी अफ़गानिस्तान की ज़िम्मेदारी है? हम कहाँ थे वहाँ पर? सरहदात पर हमारी फ़ौज है, उनके पास तो इतनी फ़ौज ही नहीं है कि वो सरहदात कंट्रोल कर सके। लेकिन इस सारे सूरत हाल में सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा कि हम ज़िम्मेदारियाँ किसी और पर डाल दें, हमें खुद अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ भी मुतवज्जह होना होगा। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये चीज़ इसमें है कि प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए। इस वक्त यकीनन ये एक अहम मसला है कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं, ये बड़ा एक इंतहाई अहम मसला है अब लोगों का। उनके प्यारे जो हैं वो 10-10 साल, 20-20 साल से गायब हैं, उनको न ये बताया जा रहा है कि वो मर चुके हैं, वो ज़िंदा हैं,
वो जेल में हैं, भाग गए हैं, जहाँ भी हो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसके ख़ानदान को बताए कि तुम्हारा बच्चा किधर है। हमने तो वो चीज़ें भी देखी हैं कि अगर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े से एक साल पहले एक नौजवान पकड़ा जाता है, एक साल पहले, और फिर जब फांसियां दी जाती हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के पादाश में उस एक साल पहले वाले कैदी को भी उस फहरिस्त पर डाल दिया जाता है कि ये भी कातिल था जी, और उसको फांसी दे दी जाती है जी। इस किस्म की चीज़ें लोगों में बदएतमादी पैदा करती है, इस किस्म की चीज़ें लोगों में नफ़रत पैदा करती है। मैं चाहता हूँ कि कौम फौज पर एतमाद करे, लेकिन इन इकदामात से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, नफ़रतों में इजाफा होता जा रहा है, और मुझे नहीं ख्याल कि ये नफ़रतें हम आइंदा चंद नस्लों में भी ख़त्म कर सकेंगे। लिहाजा इन मसाइल को तरजीह दे देनी चाहिए। वसाइल हैं, और बलूचिस्तान के वसाइल हैं, खैबर पश्तूनख्वा के वसाइल हैं, सिंध के वसाइल हैं, पंजाब के वसाइल हैं, उन वसाइल पर वहाँ के अवाम का हक़ है, वहाँ के लोगों के आइंदा नस्लों का हक़ है, उनको इत्मीनान दिला दिया जाए कि आइन पर अमल होगा और 18वीं तरमीम के तहत ये चीज़ें आपकी मिल्कियत हैं, रियासत का कोई हक़ नहीं है कि वो जाकर वहाँ पर कब्ज़ा करें। यही वजह है कि आम मजालस में ये सवाल उठाए जाते हैं कि साहब ये जो सारी दहशतगर्दी ये दर हकीकत उन वसाइल पर कब्ज़ा करने की एक 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 वसीला है जो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लोग इदराक रखते हैं और उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है जी कि बेरोज़गारी का मामला है, हम लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गिरती हुई मईशत को हम दोबारा नहीं उठा पा रहे हैं। अभी बड़ी एक तवील जंग हमें लड़नी पड़ेगी और बड़े एहतियात के साथ, लेकिन एक तरफ बेरोज़गारी है, हम लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते, लोगों को रोज़गार फराहम नहीं कर सकते, दूसरी तरफ हम महकमों को ख़त्म कर रहे हैं, PWD को हम ख़त्म कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर को हम ख़त्म कर रहे हैं, 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार मुलाज़मीन बयक़ फ़ारिग़ हो जाएंगे। इस किस्म का कोई कानून लाना, कोई बिल लाना, कोई तरमीम लाना, ये पाकिस्तान के इन मुलाज़मीन के साथ, इनके ख़ानदानों के साथ, इनके बच्चों के साथ दुश्मनी होगी, और किसी कीमत पर इस किस्म के तरमीम को ऐवान में कबूल नहीं किया जाएगा। यही वजह तो है कि हम मायूस हो चुके हैं, हम किधर जाएं, कोई रोल नहीं रहा है पार्लियामेंट का, मेंबरान का कोई रोल नहीं रहा है। तभी तो अख्तर जान मेंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया कि फिर ऐसे ऐवान में कैसे बैठूँगा जी, और ये उनके जज्बात एहसासात नहीं हैं। जिस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह के नतीजे सामने आए, जिस तरह का पार्लियामेंट वजूद में आया, ये एहसासात हम सब के हैं। ये और बात है कि पार्टियों का मामला है, किसी पार्टी ने फैसला कर लिया, कोई अभी ऐवान में किरदार अदा करना चाहता है, लेकिन इस तरह चलेगा नहीं जी। मामलात को ख़राब न कीजिए। आप इस वक्त चेयर कर रहे हैं कौमी असम्बली के इजलास को, आपकी तरफ से वाज़ह हिदायत जानी चाहिए कि ऐवान मुस्तरब है, मुल्क के लिए परेशान है, और ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, और डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा, इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे, हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि मुझे आपने इन ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, और इनको संजीदगी से लिया जाए, इसको खामखा एक तकरीर और खिताबत न समझा जाए। मैं इन हालात की वजह से इंतहाई मुस्तरब हूँ, इंतहाई परेशान हूँ और मायूस हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के पास किरदार अदा करने का कोई मौका मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला हम पर फजल करे।